मेरी बात सुनो यार, क्या मैं कह रहा हूँ यार, तुम बताओ ना, तुम कह रहे थे गाजर मूली लेते हो, तो लेते क्या हो तुम एक्चुअली अपना जब कोई नहीं रहता तो? हाँ तो क्या हाल चाल दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अश्लीलता के बारे में, जो कि ये नारी फैला रही है। फैलाना क्या मतलब, पूरा टट्टी कर चुकी है भाई। पिछले एक दो महीने से तुमने कहीं ना कहीं मीडिया के किसी भी कोने में, अगर तुम सिंगल हो तो इस महिला को जरूर देखा हो, अगर नहीं देखा हो तो ये देख लो। सुनो क्या, एक बार बोलो। अरे बोलो ना यार, एक क्या दो बोल लो तुम यार, ये कितनी औसम है यार। भाई ये औसम नहीं, बहुत अश्लील है। जहाँ से साला एकता कपूर के वेब सीरीज का अश्लीलता खत्म होता है ना, वहाँ से इसका शुरू होता है। क्योंकि तुम इसके जितने भी वीडियो उठा उठा कर देखोगे ना, साला सब में इतना ज्यादा हौस भरा है कि नसबंदी करा चुके पुरुष को भी एक टाइम गलत सोचने पर मजबूर कर दे कि बस एक बार दिला दे। नहीं यार, ये तो दुनिया का दस्तूर है ना यार, है ना, हर अच्छी चीज पे इंसान अट्रैक्ट होता है। वो भी सोच रहा है, समझ रहे हो आप। देखो इसकी वीडियो बनाने से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और इसने बतौर इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट नया बना के उस पर नंगा नाच शुरू कर दिया है, और नाम रखा है पिल्लियों का। साला नाम से ही हवस टपकता है, इससे अच्छा तो पिल्ली गर्ल रख लेती, कम से कम लौंडों को तो याद रहता, सर्च मारने में आसानी होती। खरी इंस्टा पर भी ऐसे धार्मिक वीडियो डालती है, चलो मान लिया इंस्टाग्राम पर आजकल सब चलता है, चलता क्या मतलब नंगा दौड़ता है। पर यार इनके वीडियो यूट्यूब पर कैसे, मतलब यूट्यूब इनको स्ट्राइक नहीं मारता है क्या? साला हमारे वीडियो पे हर बात पे यूट्यूब स्ट्राइक मारते रहता है कि आपके वीडियो में मियां खलीफा ने चश्मा नहीं पहना, इसकी वजह से आपके वीडियो का गाना मारा जाता है, और ये क्या मोटिवेशन वीडियो डालते हैं। और भाई हमको लगता ना, ये YouTube ही पिल्ली गर्ल से मिला हुआ है। ऐसे तुम देखो तो ये पिल्ली गर्ल हर वीडियो में मुस्कुराते रहती है, साला ऐसा लगता है चांद जमीन पर उतर के एक दो बाइगरा का गोली खा लिया है। मतलब हर वीडियो में इधर उधर देखना है, दांत निकालना है, बकचोदी करनी है, लाज शर्म तो कुछ है नहीं। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? और भाई इस पिल्ली गर्ल के इमरान हाशमी की बात करें तो ये 250 ग्राम का लौंडा जो वीडियो के बैकग्राउंड में पिल्ली गर्ल का रिपोर्टिंग का काम करता है, यानी अश्लील बातें करता है, मतलब भाई मैं कभी कभी यही सोचता हूँ कि इनके घर वाले अगर वीडियो देखते होंगे तो क्या कहते होंगे। इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बता। मेरे को ना ऐसे यार ट्रस्ट ऐसे होता है जैसे कि मैं ना तुम्हारी किस लेना चाहता हूँ 3-4 किलो यहीं पे अभी। हाँ यहाँ पे और क्या यार, ए हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कर सकते हैं बट आफ्टर राइड। तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया भाई। मैं अपने अंदर के ज्ञान इंद्रियों से बोल रहा हूँ, ये जो हरामी बोल रहा है ना 3-4 किलो किस चाहिए, ये पक्का सब्जी वाला होगा, साला गलती से इस पिल्ली गर्ल के हाथ में लग गया और ये ले रहा है इससे यार। रही बात राइड की, तो तुम्हें पता ही है कौन से राइड की बात कर रहे हैं। टपा टप। तो अगर कोई और बंदा आता तो उससे बात करते ना तुम। हाँ बट अब तुम टकरा गए ना। मैं टकरा गया ना, वैसे कैसा लगा मैं तुम्हें? सही हो, ठीक हार्ड होना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए, अच्छी होनी चाहिए, टाइमिंग यू नो, मतलब कहते ना एकदम हार्ड। कोई सेंस है इस बात की? तो भाई इस वीडियो से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कठोर बनो, हार्ड बनो, मतलब बनाओ अपनी टाइमिंग ठीक करो, तभी आगे बढ़ पाओगे और कुछ कर पाओगे, समझ रहे हो ना? ठीक है, समझ गया। ऐसे भाई इसके वीडियो और मुझसे नहीं देखा जाएगा और ना ही मैं तुम्हें दिखाऊंगा। बस हवा निकल गई। तो भाई कुल मिलाकर कहे ना तो मेरे कुछ साइंटिस्ट रात भर जग के मेहनत किए हैं और ये पता लगाए कि ये पिलियो गर्ल और इनके साथी बस ऐसे ही अश्लील वीडियो शूट करते हैं, उसे फेसबुक पे डालते हैं, 3-4 यूट्यूब चैनल पे डालते हैं और पैसे पेलते हैं। तो अगली बार से ये सब वीडियो देखने से पहले ये दिमाग में बैठा लेना कि ये सब स्क्रिप्टेड है और मतलब फेक है, तुम्हारे एड्रेनल हार्मोन के साथ फ्रैंक हो रहा है, समझ गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, क्योंकि 1 मिलियन से हम बस 9,99,800 ही दूर है, कर देना यार सब्सक्राइब। तब तक के लिए नन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है।